दोस्तों सब्सक्राइब करें ड्राइविंग हब चैनल को और देखें नए वीडियोस अपने मोबाइल फ़ोन पर सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेश और आप देख रहे हैं ड्राइविंग हब। आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों कुछ लोग जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं या फिर जिनको गाड़ी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, उनके मन में कभी ना कभी ये ख्याल ज़रूर आता है कि क्या हम ढलान उतरते समय गाड़ी बंद कर सकते हैं या नहीं। और इसके पीछे का रीज़न सिर्फ ये होता है कि वो थोड़ा बहुत तेल बचा सकें। हम इतना तो जानते ही है कि ढलान उतरते समय गाड़ी को पावर की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है, तो ऐसे में ये ख्याल आना बिल्कुल जायज़ है। तो दोस्तों आज हम इसी बारे में बात करेंगे और आपको मैं ये प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं इसका आंसर दे देता हूँ आपको। तो चलती गाड़ी में गाड़ी का इंजन ऑफ करना यानी कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि आजकल जो मार्केट में सब मॉडर्न कार्स हैं उनमें पावर स्टीयरिंग और पावर ब्रेक ये दोनों चीज़ें होती ही है। और जब हम गाड़ी का इंजन ऑफ करते हैं तो उसके साथ साथ ही पावर स्टीयरिंग और पावर ब्रेक कंपार्टमेंट में पावर कट ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से पावर स्टीयरिंग एक कन्वेंशनल स्टीयरिंग के जैसे काम करता है, यानी कि उसको घुमाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। और यही सेम चीज़ आपकी ब्रेक के साथ भी होती है। आपको गाड़ी रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स से ब्रेक लगानी पड़ती है और ये फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है। और ऐसे में अगर आपने चाबी को पूरा घुमा दिया यानी कि बैटरी का जो पावर सप्लाई है वो भी अगर आपने बंद कर दिया तो फिर तो आपका स्टीयरिंग भी लॉक हो जाएगा, जिससे आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो चलिए आपको प्रैक्टिकली ये सब करके दिखा देता हूँ। गाड़ी की स्पीड अराउंड 80 किलोमीटर पर आवर है। आप देख सकते हैं स्टीयरिंग काफ़ी स्मूथली काम कर रहा है बिना किसी मेहनत के। अभी आपको ब्रेक लगा के भी दिखा देता हूँ। बिल्कुल नॉर्मल प्रेशर अप्लाई करूँगा मैं। देखिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया था, फिर भी इसने 20 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड कम कर दी। अभी मैं गाड़ी को थोड़ा साइड में ले लेता हूँ और स्पीड थोड़ी कम कर देता हूँ। अभी मैं गाड़ी के इंजन को ऑफ कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है। तो गाड़ी का इंजन बंद हो चुका है, मैंने बैटरी पावर चालू रखा हुआ है यानी कि गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम चालू है। आप देख सकते हैं अभी तक तो गाड़ी का स्टीयरिंग अच्छे से काम कर रहा है। ओके, थोड़ी देर हो चुकी है, अभी गाड़ी का स्टीयरिंग बहुत जाम हो चुका है। मुझे इतना स्टीयरिंग घुमाने के लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। तो ऐसे में कभी आप ढलान उतर रहे हो और गाड़ी का इंजन बंद कर देते हो और आपके सामने कोई शार्प टर्न आ जाता है तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। तो ऐसी गलती कभी ना करें। आप देख पा रहे होंगे मैं ये स्टीयरिंग घुमाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ पर ये बहुत ही ज़्यादा जाम है। और साथ ही मैं यहाँ पर ब्रेक सप्लाई करने की भी कोशिश कर रहा हूँ तो उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ रहा है और उसके बावजूद भी गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो अब मैं गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ। इसे घर पर बिल्कुल भी ट्राई ना करें। तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि चलती गाड़ी में इंजन ऑफ करने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ड्राइविंग हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।